उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की पुत्रवधु अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने पर भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा की क्षेत्रीय अध्यक्ष अमिता गुप्ता ने भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय बेनीगंज पर मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि बीजेपी में अपर्णा यादव का स्वागत है। उन्होंने बीजेपी की नीतियों में विश्वास करते हुए पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। पार्टी दिन पर दिन मजबूत होती जा रही है, जिससे समाज में भाजपा के प्रति एक सकारात्मक संदेश गया है और इससे स्पष्ट होता है कि भाजपा में महिलाएं सुरक्षित हैं और उनको आगे बढ़ने के ज़्यादा अवसर हैं। आज भाजपा शासन में लड़कियां और महिलाएं बिना भय के कहीं भी घूम सकती हैं। उन्हें एक विश्वास है कि भाजपा सरकार ही इनको सुरक्षा दे सकती है। उन्होंने कहा कि एक बार फिर प्रदेश में योगी सरकार बनने जा रही है। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष श्वेता श्रीवास्तव, महिला मोर्चा रीना श्रीवास्तव, दीपक पांडे, रजनी गुप्ता, अन्य महिला मोर्चा की पदाधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महिला मोर्चा की क्षेत्रीय अध्यक्ष अमिता गुप्ता ने कहा, भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं हमेशा डिंपल में आएंगे। सर, अभी आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा कि माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी की बहू श्रीमती अपर्णा विष्ट जी यादव जी भाजपा में शामिल हुई हैं। उसी विषय पे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि श्री मुलायम सिंह यादव जी की जो बहू हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उन शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी के नीतियों और कार्यों को वो शुरू से मोदी जी और योगी जी के कार्यों की बहुत प्रशंसा करती थी और आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करके उन्होंने ये साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जहां बहू और बेटियों का सम्मान होता है और सुरक्षित है। नहीं, दोनों चीज़ है। हमने कहा ना कि उन्हें मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जहां बहू और बेटियां सुरक्षित हैं और प्लस नीतियों से भी प्रभावित होकर के मोदी और योगी केंद्र और प्रदेश की सरकार के नीतियों और कार्यों से भी वो प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी के हमारी सभी बहनों के तरफ से, मैं महिला मोर्चा बहनों के तरफ से उनका स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। देखिए, मध्यम वर्ग के लोग शुरू से ही कर्म पर विश्वास करते हैं और हमारे देश की जो नीचे स्तर के लोग थे, जो हमारे इस भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, उनका यही एक लक्ष्य था कि अंतिम पायदान तक, मतलब नीचे से नीचे स्तर तक के व्यक्ति को ऊपर उठाना। और आज अगर उस कार्य को किसी ने सिद्ध किया है तो केंद्र और प्रदेश की सरकार ने किया है और उसी पे हमारी भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी मोर्चों के सभी बहनें भी हमारे काम कर रही हैं उन्हीं योजनाओं को लेकर के। हमारी टीम भी मजबूत होगी और महिलाओं के ऊपर भी बहुत असर पड़ेगा कि एक अच्छी महिला हमारे टीम में आ रही हैं। हम लोग भी उससे प्रभावित होंगे। उनका स्वागत है हमारे टीम में।